प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगदीश प्रसाद देवउठिया गुड़ा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर कौन सा था अपने, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। इसका चैप्टर का टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। आज का टॉपिक है अपने पास हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि किसी कण की, कोई भी कण अपने पास, उस कण की स्थिति और संवेग, कण की स्थिति और संवेग का हम एक ही दिशा में एक समय पर शुद्धता से मापन नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई समय कब ज्ञात करते हैं, समय का सूत्र होता है P बराबर MV। तो यदि किसी कण में या किसी वस्तु में वेग है तो हम उसका संवेग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि वस्तु में वेग है और वो गतिशील है तब उसकी स्थिति हम ज्ञात नहीं कर सकते, उसकी स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते। स्थिति ज्ञात करने के लिए वस्तु क्या होनी चाहिए, अपने पास स्थिर होनी चाहिए। और जब वस्तु स्थिर है तो फिर उसका संवेग नहीं ज्ञात कर सकते, उसका संवेग नहीं ज्ञात कर सकते। तो हाइजेनबर्ग ने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि किसी कण की स्थिति, किसी कण की स्थिति एवं संवेग का, किसी कण की स्थिति एवं संवेग का एक ही दिशा में एक साथ मापन संभव नहीं है, एक साथ शुद्धता से मापन। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि किसी कण की स्थिति और उसका संवेग दोनों का हम एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ नहीं माप सकते। यदि हम किसी कण की स्थिति को मापना चाहें, कण की स्थिति को यदि हम मापना चाहें तो उसके संवेग में त्रुटि आएगी। यदि हम संवेग को शुद्धता से मापना चाहें तो उसकी स्थिति में त्रुटि आएगी। तो कण की स्थिति में अनिश्चितता या त्रुटि, इसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। यदि हम संवेग को शुद्धता से मापना चाहें तो कण की स्थिति में क्या आएगी, अनिश्चित आएगी, त्रुटि आएगी। यदि हम स्थिति को शुद्धता से मापना चाहें तो संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता या त्रुटि तो ये आएगी डेल्टा पी एक्स। हम एक्स एक्स दिशा की तरफ ले रहे हैं, थ्री डायमेंशनल होता है निर्देशांक, तो ये एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, तो हम एक्स एक्स दिशा में ले रहे हैं। तो एक्स एक्स दिशा में संवेग हो गया पी एक्स, क्या हो गया डेल्टा पी एक्स। तो यदि हम संवेग को शुद्धता से मापना चाहें तो अपने पास स्थिति में त्रुटि आएगी, अनिश्चित आएगी, या स्थिति को शुद्धता से मापना चाहें तो अपने पास किसमें, संवेग में त्रुटि आएगी। तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी कण की स्थिति और संवेग का एक दिशा में एक साथ शुद्धता से मापन संभव नहीं है, दोनों को हम एक साथ नहीं माप सकते। यदि एक राशि को हम शुद्धता से मापना चाहें तो दूसरी राशि में अनिश्चितता या त्रुटि आएगी।
तो फिर हाइजेनबर्ग ने बताया कि दोनों की त्रुटियों का जो गुणनफल है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन फोर पाई। दोनों की त्रुटियों का गुणनफल एच बटे फोर पाई से अधिक होगा या कम से कम इसके बराबर होगा। यह हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का फॉर्मूला गया। तो यह तो किस में था, कौन सी दिशा में, एक्स एक्स दिशा में। वाई एक्स दिशा के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच बटे फोर पाई। ये वाई दिशा के लिए। जेड दिशा के लिए लिख सकते हैं डेल्टा जेड डॉट डेल्टा पी जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच बटे फोर पाई। ये हम लिख सकते हैं किसके लिए, जेड दिशा के लिए। कोई भी एक दिशा के लिए चूज कर सकते, तीनों एक साथ ही हूँ एक दिशा के लिए। अब यहाँ ये एच क्या है, प्लांक नियतांक। तो यह एक नया नियतांक पर नियतांक परिभाषित किया गया एच क्रॉस, ये होता है एच बटे टू पाई। किस जगह आपको देखने को मिलेगा एच क्रॉस एच बटे टू पाई। तो यहाँ इसको हम यू भी लिखते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच क्रॉस अपॉन टू। तो आप इसको यूज ना करके ज़्यादा इसका यूज करें, एच अपॉन फोर पाई का हम यूज करें। तो ये हो गया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अब ये जो राशियाँ हैं कौन सी, स्थिति और संवेग, स्थिति और संवेग जो राशियां हैं वो राशियां कहलाती हैं विहित संयुग्मी राशियां, विहित संयुग्मी राशियां। और ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है वो विहित संयुग्मी राशियों के लिए लागू होता है। कौन सी राशियों के लिए, विहित संयुग्मी राशियां, यानी वे राशियां, वे राशियां जिनके मात्रकों का गुणनफल, जिनके मात्रकों का गुणनफल क्या होता है, जूल गुणा सेकंड, जिनके मात्रकों का गुणनफल क्या होता है, जूल गुणा सेकंड होता है, वो राशियां क्या होंगी, वहीद संयुग्मी राशियां। यानी वे भौतिक राशियां जिनके मात्रकों का गुणनफल जूल गुणा सेकंड होता है उनको हम कहेंगे विहित संयुग्मी राशियां। तो यहाँ स्थिति और संवेग का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, जूल गुणा सेकंड आएगा। तो ये दोनों राशियां क्या हो गई, विहित संयुग्मी राशियां। और विहित संयुग्मी राशियां कौन सी होती हैं, डेल्टा ई ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल इंटू डेल्टा टी समय का मात्रक सेकंड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन फोर पाई। तो ये भी अपने पास ऊर्जा और समय में अनिश्चितता का फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो इससे हम कोई भी एक राशि में अनिश्चितता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच बटे फोर पाई। तो अपने पास एक एक राशि की अनिश्चितता दी जाएगी और दूसरी राशि की हम अनिश्चितता ज्ञात कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्मूले को लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल एच अपॉन फोर पाई। कम से कम इन दोनों त्रुटियों का गुणनफल कितना होना चाहिए, एच बटे फोर पाई होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ इनकी त्रुटियों का गुणनफल न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे, इसमें डेल्टा एक्स का मान दिया होगा और डेल्टा पी एक्स अपने को ज्ञात करना है, या डेल्टा पी एक्स दे रखा है या डेल्टा एक्स का मान ज्ञात करना है। या इसको हम यू भी लिखते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू समय क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, तो डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। तो यहाँ वेग में अनिश्चितता ज्ञात कर सकते हैं, ये क्या है, वेग में अनिश्चितता। तो यहाँ स्थिति और वेग में अनिश्चितता का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास ऊर्जा डेल्टा
ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ऊर्जा और समय में निश्चित है, ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एच न्यू, तो यहां हम रखें एच इंटू डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये एच कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो आएगा डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 पाई। ये क्या है, आवर्ति, ये क्या है, आवर्ति। तो आवर्ति में और समय में भी अनिश्चितता हम ज्ञात कर सकते हैं, एक आवर्ति में अनिश्चितता होगी और एक समय में अनिश्चितता, दोनों में से एक दी जाएगी और दूसरी का ट्रांसफर करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अभी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो सभी कणों के लिए लागू होता है, सूक्ष्म वस्तुएं, कौन सी, सूक्ष्म और एक वृहद, बड़ी वस्तुएं मैक्रो और माइक्रो, सूक्ष्म वस्तुएं और बड़ी वस्तुएं दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन बड़ी वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होने के कारण, बड़ी वस्तुओं का आकार अधिक होने के कारण उसकी स्थिति की अनिश्चितता का सटीक निर्धारण हम नहीं कर सकते। बड़ी वस्तुओं का आकार बड़ा होने के कारण उसकी स्थिति का निर्धारण सही नहीं किया जा सकता, और इनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण संवेग का निर्धारण हम आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी वस्तु के लिए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है वो अपने को प्रेक्षित नहीं होता है, सूक्ष्म वस्तु के लिए ही ये सिद्धांत अपने को प्रेक्षित होगा। तो यह है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।